वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लग रही है तब आप कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। दोस्तों ग्रीन टी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, पर हम कौन सी ग्रीन टी का प्रयोग करें? तब दोस्तों एक सुझाव मेरी तरफ से है, मैं एक ग्रीन टी का प्रयोग की, काफी दिनों से प्रयोग करते आ रही हूँ और उसकी बेनिफिट्स को महसूस की, मैं उसे सजेस्ट करना चाहती हूँ। क्या आप भी अपने हेल्थ के लिए उस ग्रीन टी का प्रयोग करना चाहेंगे? तब आइए मैं आपको बताती हूँ कि वह ग्रीन टी है क्या, वह कौन सी ग्रीन टी है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है और उस ग्रीन टी की क्या क्या बेनिफिट है। दोस्तों यह ग्रीन टी 100% नेचुरल है। इस ग्रीन टी में नो शुगर नो प्रिजर्वेटिव। अब आइए इसकी बेनिफिट्स मैं आपको बताती हूँ। रेगुलरली इस ग्रीन टी का प्रयोग करने से हमारी मेटाबॉलिज्म बूस्ट होती है, कंसंट्रेशन इम्प्रूव होती है, फोकस बूस्ट होती है और हम किसी भी काम को मन लगाकर करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम को यह ग्रीन टी बूस्ट करता है। पूरे दिन हम एक एनर्जी के साथ काम करते हैं, पूरे दिन हम अपने आप को एक्टिव फील करते हैं। इस ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट है, हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज होती है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। यह 100% वेज है, फैटिक रिड्यूस होती है और साथ में इन्फ्लामेशन रिड्यूस होती है, इसलिए यह ग्रीन टी हम महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। हम सभी महिलाएं इन्फ्लामेशन से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, इसलिए क्या आप भी इस ग्रीन टी का प्रयोग करना चाहेंगे? रेगुलरली इस ग्रीन टी का प्रयोग करने से वेट भी रिड्यूस होती है। यह ग्रीन टी एंटी एजिंग भी माना गया है। आइए दोस्तों देखते हैं कि इस ग्रीन टी को कैसे तैयार किया जाता है। एक बोतल या कप में थोड़ी सी गर्म पानी लें, उसमें स्मॉल अमाउंट मोचा को ऐड करें। थोड़ी सी मात्रा में मोचा लेना है, उसे थोड़ी सी मात्रा के गर्म पानी में मिक्स करना है। पहले मैं मोचा को टाइट बंद करके अलग कर देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। बोतल को अच्छी तरह से टाइट बंद करें, अच्छी तरह से मोचा को वाटर में मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इस तरह दिखेगी, झाग के समान ऊपर में दिखेगी। मैं एक कप मोचा तैयार कर रही हूँ, इसलिए एक कप के अनुसार ही मात्रा ली हूँ, आप अपने अनुसार लीजिएगा। एक कप दूध को मैं गर्म करके अलग की हूँ। मोचा में मिल्क ऐड करने से पहले हनी को ऐड करें। मैंने यहाँ 2 स्मॉल स्पून्स हनी को ऐड किया है। शुगर हमें नहीं लेना है, मोचा में हमें हनी को ऐड करना है, इस बात पर ध्यान दें। हनी ऐड करने के बाद बोतल को टाइट बंद करके अलग कर दें। बोतल को टाइट बंद करके हनी को मिक्स करें। बोतल को सेक कर आप हनी को मिक्स कर सकते हैं, अगर आप कप में ले रही हैं तो स्पून से मिक्स कर सकती हैं इस तरह। हम इसे एक कप में डाल रहे हैं, 1 कप हॉट मिल्क हमें ऐड करना है। नाउ ऐड 1 कप हॉट मिल्क। दोबारा स्पून से इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। बड़ी कप में आपको अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं इसे छोटे बर्तन में डाल रही हूँ, छोटी कप में डाल रही हूँ। अब आपको इसकी कलर ठीक से दिखाई देगी। ये देखिए हमारी मोचा बिल्कुल तैयार है, 100% ग्रीन टी। इसे आप
या तो अर्ली मॉर्निंग या नाइट में ले सकती हैं।